देश का दुर्भाग्य है कि देश को नियम बनाना पड़ा कि 25% जब तक आप गांव में बैंक नहीं खोलते हैं आपको परमिशन नहीं मिलेगी। मैं मानता हूं ये नियम बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन पड़ी, क्योंकि हम लोगों ने कभी भी हमारे ग्रामीण जीवन के पोटेंशियल को समझा नहीं। पिछले कुछ वर्षों में ये ध्यान में आया है और हर किसी की नजर गई है कि भारत में ग्रामीण जीवन भी एक बहुत बड़ा ग्रोथ सेंटर बना है। बहुत तेजी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारत के जीवन को एक ताकत दे रही है, बड़ा बदलाव आ रहा है। मोबाइल बैंकिंग ही चलने वाला है, प्रिमाइसिस लेस पेपरलेस, यही बैंक की पहचान होने वाली वह है, न जिसमें कोई प्रिमाइसिस होगा और न ही कोई पेपर होगा, और उसके बाद भी बैंक चलेगी, लोगों को पैसे मिलेंगे, लोगों का कारोबार चलेगा। और धीरे धीरे हमारे देश में ये स्थिति आने वाली है कि करेंसी भी शायद आज जो करेंसी प्रिंट करने का खर्चा होता है वो भी धीरे 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 कम होता जाएगा, क्योंकि ये कारोबार इस प्रकार से बढ़ने वाला है और हमने भी देश को उस दिशा में ले जाना है। और जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी के सहारे बैंकिंग करेंगे, जब हम पेपरलेस बैंक की व्यवस्था करेंगे, करेंसीलेस कारोबार चलाएंगे, तो काले धन की संभावनाएं धीरे 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 जीरो की तरफ चली जाएगी। आज सारा विश्व आर्थिक दृष्टि से भारत के प्रति एक बड़े संतोष की नजर से देख रहा है, सिर्फ आशा की नजर से नहीं, एक संतोष की नजर से। उसको लगता है कि पूरे विश्व में इतना टर्मोइल आ रहा है, लेकिन एक भारत है जो स्थिर खड़ा रह पाया है।